अब कम क्रिएटिवली हाउ यू कैन गार्निश अ कपकेक। 30 सेकेंड्स मिलेंगे, अभी वो नीचे से काटना पड़ेगा, कटा हुआ है, ब्यूटीफुल, देन ऊपर से प्रेस करना पड़ेगा सर, देयर गोज, बस। ऑलराइट, सोच लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो सर, प्लेट के साइड पे, आखिरी 15 सेकेंड। मैंने कहा किरण को बहुत अच्छी मेहंदी आती है, वो तो मेहंदी लगा देगी क्लिप की। आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं? लेकिन उसके लिए हाथ चेहरे का हाथ चाहिए। या डू वी हैव सीजर्स और नाइफ? या ऑलराइट, ओके, जल्दी करो, योर वन नाउ, स्टार्ट गार्निशिंग। सर वो ऊपर से खुल जाएगा, क्या कर रहे हो? ये लगता बहुत आसान है, आई एम श्योर व्हेन वी गो एंड ग्रैब अ कपकेक डिजाइन अच्छी लगती, वी वर लाइक वाओ दिस इज ब्रिलियंट, बट आप देख सकते हैं दैट अलग-अलग तरीके के निकलेंगे। ओ दैट्स रियली नाइस, ब्यूटीफुल, एकदम बढ़िया। नेवर, कभी नहीं किया, अभी घर जाके करना पड़ेगा। डेफिनेटली। घर वाली कोई बैठी है इधर? नहीं, इंटेलिजेंट नहीं लेके आया। हाँ जी, मेहंदी आर्टिस्ट हो गया जी, वो मेहंदी बन रही है, वो बेचारे को भी करने थे, कब से खड़ा है देख रहा है। यू डिड इट, ओके, वेरी गुड, ही इज ऑफरिंग हिज टिप्स। हाँ जी, शेफ विकास, यू कैन सी दैट दिस जेंटलमैन हियर। सर कपकेक को गार्निश करना था, आपने स्पाइडरमैन बना दिया। सर प्लेट को गार्निश कर रहे हो कपकेक को? उनको प्लेट ज्यादा पसंद आई है। ऑलराइट, लास्ट 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दैट्स इट। अपने अपने किचन काउंटर से पीछे हट जाइए, बस करो सर, आप क्या करो। I'm telling you, it's not looking bad, huh? It's looking good. It's actually looking good. आप लोग शेप बनाने की सोच रहे थे, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट बना के बहुत कमाल का किया। Our next contestant. Next one. जल्दी कर। क्या पाइपिंग के लिए भी दो हाथ चाहिए? ये पिंपल बना रही है तो उस पे मुहासे। कुणाल, एक बात तो कहनी पड़ेगी कपकेक्स देखकर कि बडिंग मास्टर शेफ्स मीडिया में भी हैं। दिस इज क्वाइट गुड यार। इनका बनाया वैसे ही ओके करना पड़ेगा। आई लाइक दैट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा लग रहा था कि बाहर बर्फ हुई है, दरवाजे से आप घर पे बाहर निकले, आपने तेज दरवाजा बंद किया, जितनी बर्फ थी सर पे गिर गई। M, proper master chef. All right, huge round of applause for everyone. Thank you so much. I wish we had the luxury of time to give you a real challenge for 1 hour and then just grill you a lot. But thank you so much for your participation. Thank you, Ji. Thank you so much. Thank you. Thank you, Chef Kunal. अगर members of the media, if you like, strong memory रहती है. और कहते हैं कि जो palate के cells हैं, continuously मरते हैं, फिर दोबारा से recreate होते हैं. और मेमोरी कभी नहीं जाती कि क्या चीज़ कब खाई थी, छोटी छोटी सी टेस्ट से आपको एक बहुत बड़ी छुट्टी याद आ जाएगी मसूरी के पहाड़ों पे, एक छोटी सी चीज़ से, या एक अचार की स्मेल से आपको एक बचपन की याद आ जाएगी कि कब किसने चोरी करके अचार खाया था घर में, या बट मेमोरी इज़ वेरी स्ट्रांग, टेस्ट इज़ अमेजिंग, टेस्ट और ब्रेन का बहुत बढ़िया कनेक्शन है, आज वही कनेक्शन थोड़ा टेस्ट करते हैं। ग्रेट, कैन वी ऑल्सो हैव मिस्टर कालरा जॉइनिंग अस फॉर दिस? पेन्स और पेपर्स देंगे, यू जस्ट हैव टू नोट डाउन कि क्या इंग्रेडिएंट। दो स्पून खा सकते हैं, दो स्पून के बाद स्टार्ट राइटिंग डाउन। लो जी, आप दो स्पून आपके पास है सर, आपके पास जी। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे नमक नजर नहीं आएगा लेकिन है तो सही,
उसी तरीके से बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते ही होते हैं, वो आप लिखिए। कुछ ऐसे होंगे जो टेक्सचर आ रहा है, कुछ आएंगे जो टेस्ट टुवर्ड्स द एंड। आपको मालूम है जुबान पर बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जुबान। सबसे पहला टेस्ट कौन सा रजिस्टर होता है? हाँ, बिटर यानी कड़वा, खट्टा, मीठा, नमकीन या तीखा। सबसे पहला टेस्ट कौन सा रजिस्टर होता है जुबान पर? तीखा। और क्या, किसको आंसर पता है? हाँ, नमक। कितने कहते हैं नमक मैक्सिमम? नहीं, सबसे पहले मीठा। और मीठा जो होता है, जबान का जो टिप होता है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा सेंसेशन मिठास की यहीं पर होती है ऑलवेज। खट्टा हमेशा जबान के पीछे साइड पे, साइड पे। सॉल्ट बीच में। और जो कड़वा होता है वो एकदम जबान के एंड में, खाने के बाद कड़वा लगता है। कुछ मेंबर्स ऑफ द मीडिया ने आई थिंक 10 12 13 बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रजिस्टर हुए हैं। MSG मत लिखो यार, बहुत आजकल प्रॉब्लम हो जाए, मूवी निकलने वाली है। तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि कितने आइटम मेंशन है, देखना ये है कि किसने ठीक ठीक लिखे हैं।